केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 9। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और सारा कुछ क्या होगा, उससे पहले आपको मैं बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले कर लेते हैं ताकि फिर आगे इजी हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है ना, आपकी सारी की सारी रिवॉल्व करती है हाइड्रोकार्बन्स के अबाउट, ठीक है। ये तो चैप्टर 8 पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बेस कर रही है आपकी सारी की सारी। अब आपके पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, मैं इसको HCs कह रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास दो टाइप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन से जो है वो स्ट्रेट चेन्स के अंदर हों, लाइक जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो आपका चैप्टर नंबर 8 का नाम भी यही था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये आपके पास पूरी एक कैटेगरी होगी, और इसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें आपके पास साइकिल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इस टाइप का एक साइकिल होगा, लेट्स से, और उसमें कॉर्नर्स पे सारे कार्बन एटम्स लगे हुए होंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इनके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास पूरा का पूरा जो साइकिल है उसके अंदर सारे के सारे जो है वो कार्बन एटम्स ही हों, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो सारे के सारे कार्बन एटम्स ना हो, ठीक है। अगर सारे के सारे कार्बन एटम्स नहीं है, उनमें से कोई एक कोई और एटम भी साथ लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इन दोनों की एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब है, लेट्स से आपके पास ये एक चेन है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और बाकी सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, यही कंपाउंड आपका हेट्रोसाइक्लिक हो जाता अगर बीच में लेट्स से यहां पे नाइट्रोजन लगा हुआ होता, ठीक है। तो अब आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, और इस वाले एटम को जो कार्बन के अलावा कुछ होता है इसको हम बोलते हैं हेट्रो एटम, हेट्रो एटम, ठीक हो गया। अब अगेन मैं सारे को रिमूव कर देता हूं जो मैंने बाद में लिखा। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको पता चल गया, ये किनको हम बोलते हैं। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन जो आपकी चलती है, इसको हम सर्कल कर देते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन आपकी चलती है फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो दो टाइप्स के अगेन हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक हो सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरे आपके पास होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में आपके पास क्या डिफरेंस होता है। एलिसाइक्लिक जो आपके पास कंपाउंड्स है ना, ये आपके पास सेचुरेटेड होते हैं, ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब हो गया, यानी इसके अंदर सारे के सारे आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के कार्बन के साथ। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स भी पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर फर्दर अगेन आपके पास टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक आपके पास हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और एक आपके पास हो जाते हैं एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये जो यहां पे आके आगे क्लासिफिकेशंस आ गई है ना, ये बेसिकली आज का हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा कि एरोमेटिक हम कहते किस चीज को है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन आपको ओवरऑल एक ब्रॉडर सेंस में समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ, और अब मैं जा रहा हूं इनकी उसके ऊपर कि हम कहते किनको है, ठीक है। यहां पे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं अब कि एरोमेटिसिटी आपकी क्या चीज होती है। एरोमा जो एग्जैक्टली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस या खुशबू, ठीक है। तो नॉर्मली जब पहली दफा क्लासिफाई किया गया था ना जब ये कंपाउंड्स को, तो उसमें वो कंपाउंड्स जिनसे कुछ ना कुछ महक आ रही होती थी, खुशबू आ रही होती थी, तो उनको साइंटिस्ट ने एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दे दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि जितने भी ऐसे कंपाउंड्स थे वो सब के सब
जिनके अंदर जिनसे भी खुशबू आती थी ना उनके अंदर एक इस तरह का एलिमेंट लाजमी पाया जाता था, ठीक है, और इस एलिमेंट को उन्होंने बेंजीन नाम दे दिया, ठीक है। और बेंजीन की प्रेजेंस से फिर उनको ये आइडिया हुआ कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जरूरी नहीं है कि उन सब से खुशबू आती हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि इसको नाम दे दिया था तो इसलिए फिर अब बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आप बुक से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक डिफरेंट डेफिनेशन आज बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किन को कहते हैं हम, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स पता होने से पहले आपको कुछ वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं, ठीक है। सबसे पहली जो बात आपको मैं इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं वो है एन्यूलीन, एन्यूलीन, ठीक है। एन्यूलीन किस चीज को कहते हैं? आपका कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपके पास साइक्लिक का मतलब है, इसका मतलब है जहां से चेन स्टार्ट हो रही है वहीं पे आके खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो कॉर्नर्स हैं सारे, यहां पे सारे आपके पास क्या लगे हुए हैं, कार्बन एटम्स लगे हुए, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। और जिन जिन लोकेशन से आपको ये लाइन नजर आ रही है इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ऑल्टरनेट लोकेशंस के ऊपर, ऑल्टरनेट समझते हो ना, यानी एक छोड़ के एक, ऑल्टरनेट लोकेशंस के ऊपर अगर सिंगल और डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अगर आपके पास लगे हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को हम एन्यूलीन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे सारे आपके पास एन्यूलीन्स बने हुए हैं, और एन्यूलीन्स को लिखने का तरीका ये होता है कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो कि जितने कार्बन एटम्स हैं और फिर आगे लिख देते हो एन्यूलीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। बाकी सारे कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगे होंगे, जो जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कार्बन की बात कर रहे हो, इस वाले की, इसके दो बॉन्ड्स नीचे हो गए, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर हो गया और एक यहाँ पे साथ H लगा होगा, तो बाकी सारी लोकेशंस पे H है। हम H इसमें नॉर्मली लिखते नहीं है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए कि किस लोकेशन पे H है और किस पे नहीं है। तो ये आपके पास 14 एन्यूलीन है, ये आपके पास 16 एन्यूलीन है, ये आपके पास 18 एन्यूलीन है, ठीक है। अब एन्यूलीन हर चीज का होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह का, और उसमें एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है और एक डबल बॉन्ड यहां पे है, ठीक है। अब ये एक एन्यूलीन नहीं है, इसकी वजह ये है कि इसमें जो एक डबल बॉन्ड है ना, साथ वाला डबल बॉन्ड उसके बिल्कुल साथ ही आ गया, एक छोड़ के नहीं आया, एक छोड़ के अगर एक लोकेशन पे हो सारे डबल बॉन्ड्स, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एन्यूलीन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके पास ये नीचे एक और एग्जांपल है एक एन्यूलीन की, ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एन्यूलीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपके पास 18 एन्यूलीन है, ठीक है। तो एन्यूलीन को लिखने का ये तरीका होता है, 18 एन्यूलीन ये आपके पास बना हुआ है, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेसिकली, साइंटिस्ट का नाम क्या था, हकल, ठीक है। और हकल ने एक रूल दिया था जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल, जो हमें यह बताता है कि कोई कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। एरोमेटिसिटी, हमें ये एरोमेटिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या वो किस हद तक एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हकल ने तीन क्राइटेरियाज बताए थे, ठीक है। सबसे पहली बात हकल ने जो की थी वो ये थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइक्लिक होने चाहिए, ठीक है, और वो एन्यूलीन्स होने चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, वो साइक्लिक होने चाहिए और वो एन्यूलीन्स होने चाहिए, तब वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। साइक्लिक तो ठीक है, वो साइक्लिक होगा तभी तो वो एन्यूलीन होगा, और एन्यूलीन्स वो होते हैं जिसमें आपकी कॉन्जुगेट लोकेशंस के ऊपर, कॉन्जुगेट लोकेशंस के ऊपर क्या होते हैं आपके पास, डबल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेट लोकेशन पे आपके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं। और दूसरा जो स्टेप था या दूसरा जो रूल हकल ने दिया था वो ये था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास प्लेनर ज्योमेट्री होती है उनकी, प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है।
साइक्लिक कंपाउंड्स, पहली बात साइक्लिक होने चाहिए, दूसरी चीज एनुलिन, एनुलिन है तो इसका मतलब साइक्लिक ही होंगे ना, और दूसरी चीज के वो प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर आप समझते हो, एक प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस, फ्लैट सरफेस। अगर तो आपका पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सीधा ही है, फॉर एग्जाम्पल इधर नीचे आपके पास ये पिक्चर्स हैं, हाँ ये देखो आप, ये जो आपकी पहली वाली तस्वीर है ना, ये आपकी प्लेनर ज्योमेट्री है, और जो आपकी दूसरी तस्वीर है ये नॉन प्लेनर है। यानी अगर आप इस वाले कंपाउंड को, ये जो दूसरे नंबर पे बना हुआ है, इसको एक सरफेस के ऊपर, अगर फर्श के ऊपर आप रखो तो ये नहीं रखा जाएगा, इसकी कोई ना कोई साइड फर्श से ऊपर उठी हुई होगी, ठीक है। यानी ये एक सरफेस के ऊपर रखा ही नहीं जा सकती, ये प्लेनर है ही नहीं, ठीक है। ये 3D में है, इसको 3D और 2D से आप इमेजिन कर लो। प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब है ये आपके पास 2D स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर है अगर आपके पास, तो वो आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर 3D स्ट्रक्चर इस टाइप का आपके पास बन रहा है जो नॉन प्लेनर है, तो वो आपके पास नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, वो एरोमेटिक नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप तीसरे केस में देखो, ये भी आपके पास नॉन एरोमेटिक है, ये सरफेस के ऊपर नहीं आ रहा पूरा, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दो रूल्स बता दिए थे ना मैंने, एक साइक्लिक होना चाहिए और दूसरा प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाए इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं, पाए इलेक्ट्रॉन्स। आपको इतना तो आइडिया है ना कि जब भी डबल बॉन्ड आपके पास बनता है तो उनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड इनमें से पाए बॉन्ड होता है, ठीक है। और पाए बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है कंपैरेटिवली, और ये आपके पास इस तरह करके ऊपर वाले रीजन में और नीचे वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, यहां यहां पे ये पाए बॉन्ड बना हुआ होता है आपके पास, ठीक हो गया। जब भी आपके पास कोई एक डबल बॉन्ड होता है तो उसमें कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, एक पाए इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, टोटल आपके पास दो पाए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पाए इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड में बेसिकली दो पाए इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हकल ने यह कहा था कि अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 इतने पाए इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक होगा। आई रिपीट, अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 टाइम्स पाए इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं नीचे। फॉर एग्जांपल ये आप देखो, बल्कि ये आपके पास कॉन्जुगेट की एग्जांपल आ गई है। अब कॉन्जुगेट मैंने बताया था कि एक लोकेशन छोड़ के एक के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। अब ये देखो, यहां पे एक डबल है, यहां पे डबल है, यहां पे डबल है, इसका मतलब है ये आपके पास एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन अब इस दूसरे वाले पे देखो, यहां पे आपके पास डबल है, एक लोकेशन छोड़ के यहां पे डबल होना चाहिए था ना, यहां पे डबल नहीं है, इसका मतलब है दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह यहां पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, और इस लोकेशन को छोड़ के यहां पे भी फिर होना चाहिए था, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की ये दूसरी डेफिनेशन होगी। ये फिर उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है, वो जो मैंने आपको 4n+2 वाली बात बताई है ना, इतने आपके पास पाए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अगर इस फिगर में आप देखो, ये जो आपका ये वाला एक डबल बॉन्ड है, ये आपको ये बता रहा है कि यहां पे आपके पास दो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आपको ये बता रहा है कि यहां पे कितने दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाए इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी दो पाए इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। टू पाए का मतलब यहां पे 2 × 3.14 नहीं है, यहां पे टू पाए का मतलब है दो पाए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पे आपके पास ये डबल बॉन्ड है, यहां पे अगेन आपके पास दो दफा पाए इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। पाए इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि यहां पे एक पाए बॉन्ड है ना, तो पाए बॉन्ड में फिर दो शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से और एक इसकी तरफ से, तो दो दफा आपके पास पाए इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे। तो टोटल कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, 6 पाए इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर इस वाले कंपाउंड में आप देखो, आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, इस वाले डबल बॉन्ड में आपके पास दो पाए हो गए और इस वाले में दो पाए हो गए, तो आपके पास टोटल 4 पाए इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 4n+2 पाए इलेक्ट्रॉन्स हो, 4n+2 में n की क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या जवाब आता है, 4 × 0+2 यानी 2 पाए इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू आप 1 पुट करो तो क्या आता है, 4 × 1+2 6 पाए इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू आप 2 पुट करो तो 4 × 2 = 8+2 10 पाए इलेक्ट्रॉन्स।
और एज इन फोर फोर की एडिशन इसके अंदर होती रहेगी, 10, 14, 18, 22 एंड सो ऑन, ये आगे सीरीज चलती रहेगी। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। जब आपको समझ आ रही है बात, एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है यानी एक डबल बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 5 डबल बॉन्ड्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 7 डबल बॉन्ड्स, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 9 डबल बॉन्ड्स, 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 11 डबल। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप गौर करो इस बात पे कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर हैं तो वो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होगा। आई रिपीट, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो वो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होगा, ठीक है। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड्स, तो नॉर्मली हम उसको बोलते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो वो एरोमेटिक, और अगर इवन, अब आपको पता है बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन 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 और अल्टरनेट लोकेशंस के ऊपर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई ना, कॉन्जुगेट वाली जो थी, प्लेनर वाली शर्त भी पूरी हो गई, ये एक प्लेन के ऊपर होता है बेंजीन, ठीक है। और तीसरी शर्त ये कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इसमें है ना, 1, 2, 3, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और 3 डबल बॉन्ड्स हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आपने चेक करना हो वो एरोमेटिक है या नहीं, तो आप हकल रूल उस पर सेटिस्फाई करा दो, ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ठीक है। सो इसके बाद हम मुख्तलिफ, ये जो शुरू में आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी ना कि आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, साइक्लिक होते हैं, फिर साइक्लिक के अंदर आपके पास मैंने एक बताए थे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मैंने आपको कहा था जिनके अंदर क्या होता है, एक कोई डिफरेंट कार्बन एटम लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक की। अब आपके पास एक पिरिडीन, देखो आपके पास ये एक सर्कल आपको ये बता रहा है, हेक्सागन आपके पास ये बना हुआ है कि तीन लोकेशंस तो हैं आपके पास डबल बॉन्ड्स, ठीक है, और इसमें एक अदद नाइट्रोजन लगा हुआ है जो कि हेट्रो एटम है, यहां पे हेट्रो एटम। अगर आप इस पे हकल्स रूल सेटिस्फाई करो तो हकल्स रूल एग्जैक्टली सेटिस्फाई हो जाता है, जिस बात का मतलब ये है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जितने भी कंपाउंड्स बने हुए हैं ये सब के सब आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनमें से आई गेस शायद कोई एक दो ऐसे हों जो ना हो, अब लाइक पिरिमिडीन जो है, पायरोल है, इमिडाजोल है, फ्यूरान, थायोसफीन, इंडोल, प्यूरिन, ये आपके पास सारे हैं, ये सारे आपके पास हेट्रोसाइक्लिक हैं और एरोमेटिक भी हैं, ठीक है। आपके पास कुछ एक्सेप्शंस भी हो, एक्सेप्शंस भी होती हैं, एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल आपको याद है बकी बॉल्स जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जो ढेर सारे यू आपके पास लगे होते हैं कार्बन एटम्स, ठीक है, और एक सफियर बना देते हैं, वो भी बेसिकली आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, एरोमेटिक है। ऑल्दो वो जो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो हकल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो प्लेनर नहीं है ना, वो तो 3D है, बाकी बॉल्स तो 3D में होते हैं, लेकिन ये आपके पास एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा आपके पास कुछ और भी जनरल एक्सेप्शन होती हैं, जो मैंने आपको हकल सूल बताया वो आपके पास नॉर्मली होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें एग्जैक्टली आप हकल सूल को सेटिस्फाई इतना इजिली नहीं करा सकते। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गई। इसके नीचे ये बड़े एक इंटरेस्टिंग मुझे स्लाइड कहीं से मिली है। आपको पता है अगर आप में से कोई बायो के स्टूडेंट से, मैं तो बेसिकली बायो का स्टूडेंट नहीं हूं तो आई डोंट नो, बट डीएनए जो होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये आपके पास स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप जीन्स और इसके कोड्स वगैरह आई थिंक होते हैं, जिनमें गुआनीन, थायमीन, साइटोसिन और एडेनिन होते हैं। आप गौर करो, ये सारे आपके पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये एक अल्काइल चेन्स लगी हुई है नीचे, ठीक है, ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं सारे, ठीक है।
गुआनीन, थायमीन, साइटोसिन और एडिनिन। ठीक है, इसके बाद एक और साइड हम देख लेते हैं एग्जांपल्स की। जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इनकी फिर फर्दर टाइप्स होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इनमें से एक वो कंपाउंड्स होते हैं जो होते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनमें एक कोई बेंजीन रिंग लगा हुआ होता है और उसके साथ एक यूं करके एक और बेंजीन रिंग से लेट से लगा हुआ। ठीक है, बल्कि सॉरी ये तो मैं आपको गलत बता रहा हूं, ये तो आपके पास डायसाइक्लिक हो जाएगा ना, दो साइकिल्स हो गए। एक ही साइकिल हो अगर, यानी सिर्फ एक ही रिंग हो आपके पास, यहां पे लेट से कुछ भी लगा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये जो नीचे आपके पास बने हैं, ये आपके पास क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी इसमें मल्टीपल रिंग्स आर अटैच टुगेदर। ये नेफ्थलीन है आपके पास, एंथ्रेसीन है, फेनेंथ्रीन है, पायरीन है, बेंजीन है, कोरोनीन है आपके पास। ठीक है, देखिए कितने इंटरेस्टिंग इनके स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। बेसिकली बेंजीन रिंग्स ही हैं और ये सारे के सारे हकल्स रूल को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमें आपको रिवाइज करवा दे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में, सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है वो ये है कि जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक होते हैं और वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। साइक्लिक मतलब वो क्लोज्ड चेन होते हैं। ठीक है, और ये एलिफेटिक आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। और होमोसाइक्लिक के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक में कोई डिफरेंट एटम भी होता है जो कि चेन के अंदर होता है, साइक्लिक चेन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बाहर कुछ और लगा हुआ है ना, तो इसको मैं हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें चेन का पार्ट होता है कोई और चीज। अगर यहां पे एन वगैरह लगा हुआ है ना, तो फिर तो मैं इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलूंगा, लेकिन अगर बायर करके लगा हुआ है तो फिर मैं इसको हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास फिर एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों के अंदर फिर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एरोमेटिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक बताने के लिए मैंने आपको सबसे पहले चीज इंट्रोड्यूस कराई थी एनुलिन्स। एनुलिन्स होते हैं आपके पास ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स जिनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ एनुलिन्स हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था हकल्स रूल, जिसमें आपके पास तीन क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले तो वो साइक्लिक एनुलिन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज की ज्योमेट्री जो है वो एक प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या इन शॉर्ट में इसको यूं भी कह देता हूं कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो फिर हम उसको, ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताए थे कि कौन से आपके पास एरोमेटिक होंगे कंपाउंड्स और कौन से आपके पास एरोमेटिक नहीं होंगे। फाइनली मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो मैंने आपको एंटी एरोमेटिक लफ्ज बताया था, एंटी एरोमेटिक, और एक वर्ड होता है एरोमेटिक और एक वर्ड होता है नॉन एरोमेटिक। हम इन तीनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे आने वाले दो तीन लेक्चर्स के अंदर, जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना बेंजीन का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक और नॉन और एंटी में आपस में डिफरेंस होता है। मतलब ये दोनों एक ही चीज नहीं है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक और चीज होते हैं और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ये आपके पास और चीज होते हैं। ठीक है, तो इनकी हम डिटेल्स इससे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक हो गया, सो दैट्स इट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किनको कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली अपना चैप्टर। आई वुड से द फन टाइम इज ओवर नाउ। अब हम नॉमेनक्लेचर इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।